नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार ममल बोनसाई में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं आज आपको एक पिलखन का ट्री एक पोर्ट में लगा के दिखाऊंगा। ये वो पोर्ट है, ये पोर्ट कोई बनाई हुई पोर्ट नहीं है। ये जो अपने कच्चे घड़े आते हैं मिट्टी के क्ले के, वो है, मैंने उसको तोड़कर बनाया था। और इसके अंदर यहाँ पे मैंने ड्रिल से होल किए हैं, 6 होल किए हैं। और अब मैं इसको ट्री को इसके अंदर लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर जो सॉइल यूज़ करने वाला हूँ वो बताता हूँ आपको, कौन सा कर रहा हूँ। इसमें कोई स्पेशल सॉइल यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि जो पिलखन है वो मिट्टी के अंदर कम, जो ईंट पत्थर होते हैं उनके अंदर ज़्यादा फैलती है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं कच्ची जो ईंटें होती है पुरानी ईंटें, उन ईंटों को तोड़ कर लेके आया हूँ। और जो ये इधर आप कंकर से देख रहे हैं, वो जो बजरी को छानने के बाद बचते हैं, ये वो कंकर है। हाँ, इसमें थोड़ा सा मैं कंपोस्ट ज़रूर मिलाऊँगा। ये कंपोस्ट है जो कि पत्ती और लीफ से बना हुआ है, जो पोटिंग सोयल जिसको बोलते हैं, ये वो है। ये थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ और इसको अच्छे से मिला दूंगा। और उसके बाद मैं सिर्फ इसमें और कोई सोयल नहीं ऐड करने वाला, सिर्फ ये पत्थर से ही लगाऊंगा, ये इसके अंदर ही ग्रो करेगा। अब हम इस ट्री को इस पे रखेंगे कि ये कहाँ पे सेट होता है। ये वो ट्री है, मैं इसकी जो रूट बॉल है उसको नहीं हटा रहा, उसको मैं यहीं रहने दूंगा। तो इसको ऐसे यहाँ पे लगाने से पहले इसके अंदर हम जो ईंट के बड़े टुकड़े हैं वो डाल देंगे, ताकि जो सॉइल है वो अच्छे से ड्रेन होए। अब इस पे थोड़ा सा जो सॉइल है वो डाल देंगे। इसके बाद हम ट्री को इसके ऊपर रखेंगे। ट्री को इस पर रख दिया हमने। अब और सॉइल डालेंगे। जो बाकी सॉइल बचा हुआ वो डाल देंगे। सॉइल थोड़ा गीला हो गया बिकॉज ये जो बजरी का जो बचा हुआ कंकर है वो बाहर था और बारिश काफ़ी आई आज, तो उससे ये थोड़ा गीला है। ये ड्राई सॉइल यूज करना चाहिए वैसे। अब हम इसको अच्छे से दबा देंगे। इसका इस साइड वजन ज़्यादा है तो ये थोड़ा तिरछा रहेगा। वैसे इसका ये इसका सही जो शेप है वो है। थोड़ा सा सॉइल और ऐड करेंगे। पिलखन की जो रूट्स है बहुत ही फास्ट ग्रोथ करती है, ये कटिंग से तैयार किया हुआ ट्री है। और जो रूट्स है वो ऐसे सॉइल के अंदर काफ़ी इजीली ग्रो करेगी। मैं इसको अभी गार्डन के अंदर रखूँगा।
इसको मैं स्टाइल अभी नहीं दूंगा, जस्ट इसको पोट करके छोड़ दूंगा इसके अंदर ग्रो करने के लिए। जब ये अच्छे से इसमें मजबूती से लग जाएगा उसके बाद हम इसको देखेंगे कौन सा स्टाइल देना है। ये पत्थर रखने का मेरा एक कारण ये भी है कि ये जो वजन के कारण इस साइड जा रहा था, अब ये इस साइड नहीं जाएगा और पत्थर से थोड़ा ट्री का लुक भी अच्छा लगेगा। अब ये ट्री ठीक है, अब जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है, मानसून आ चुकी है यहाँ पे। आज मॉर्निंग टाइम से ही काफ़ी बरसात हो रही है। अब मैं इस पे थोड़ा स्प्रे से वाटरिंग करूँगा। ये सोइल बहुत ही ड्रेन सोइल है, इसके जो अगर हम वाटर डालेंगे एक्स्ट्रा वाटर जो होगा वो ऑटोमेटिक नीचे से निकल जाएगा। बोनसाई के अंदर मोस्टली ड्रेन सोइल यूज़ करते हैं जो इजीली वाटर को ड्रेन कर दे। इस ट्री में रूट्स बहुत जल्दी ग्रो करती है, जो आपको ये ट्रंक पे वाइट वाइट सा दिख रहे हैं डॉट्स से, अगर हम इसको ज़मीन के अंदर ये हिस्सा सोइल के अंदर रखेंगे तो यहाँ से इसकी रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। पिलखन का तो ये है कि आप अगर एक ट्री ले आए तो उससे काफ़ी ट्री बना सकते हो, बहुत ईजी है। इसकी ट्रंक, इसकी ब्रांच को काटो और लगा दो, बहुत ईजी ग्रो करता है। आपको दिख रहा नहीं है लेकिन नीचे से देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे से जो इधर से जो उसका वाटर एक्स्ट्रा वो निकल रहा है, इसमें ये अच्छे से गीला हो गया, पूरा सोइल ने पानी को सोख लिया है, तो हमें और वाटरिंग की जरूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। मैंने एक दिन नॉर्मल जो ट्री होता है, नॉर्मल पॉट, वो जो अपना मिट्टी का घड़ा होता है, मैं उसको थोड़ा सा पॉट के लिए तोड़ रहा था। जैसे कि मैंने पहले गोल पॉट यूज़ की थी हिबिकस के लिए, उसके लिए जब मैं एक मटके को तोड़ रहा था तो वो टूट गया, और जब वो टूटा तो उसका ये हिस्सा अलग हो गया। जब मैंने इसको देखा तो मेरे को आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसको एक अच्छी पॉट की तरह यूज़ करूं, और मैंने ड्रिल से इसके अंदर होल किए और इसको पॉट के लिए छोड़ दिया कि इसको एज ए पॉट यूज़ करेंगे। फाइकस फैमिली की जितनी भी ट्री है वो बहुत ही इजी ग्रो करती है, और ज़्यादा उनके डाई होने का चांस बहुत कम होता है। उसके सोइल का भी ज़्यादा वो नहीं है कि उनको इतना सोइल का सोचने की ज़रूरत है, वो ईंट पत्थर ऐसे ही सोइल के अंदर इजीली लग जाती है। ऐसे ही बनियन को भी सेम है, बनियन भी हम ऐसे ही सोइल में लगा सकते हैं। आपने देखा होगा पीपल या बर्ड जो पुरानी बिल्डिंग होती है उसके ऊपर छत पे लगे होते हैं, पुरानी बिल्डिंगों में छत पे होते हैं। ओके दोस्तों, ये अब कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसको गार्डन में रख देंगे। इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखेंगे, अब छाया में रखेंगे कुछ टाइम के लिए। जब ये इसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी, न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, तब हम इसको धीरे धीरे धूप में लेके आएंगे, डायरेक्ट धूप में नहीं लेके आएंगे। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपने ट्री का ध्यान रखिएगा, अपने सुझाव देते रहिएगा, शुक्रिया।